हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और एक और मैं वीडियो लाया हूँ आप लोग के लिए, फ्री मॉक टेस्ट आपके यूकेपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, आने वाले आपके आरओएआरओ 2022 के फॉर्म के लिए। तो उम्मीद है कि पिछले वाले भी आपने वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है, भारत में जब चाय कंपनी की स्थापना हुई थी तब यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि इन चारों में से कौन गवर्नर जनरल था जब यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, आपकी चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, आपको ये बताना है। चलिए 10 सेकंड का समय लेंगे आप लोग, लॉजिक लगा के आंसर लगाइए, इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या बेंटिक है, क्या डलहौजी है, कॉर्नवालिस है या डफरिन। चलिए आपका टाइम यहाँ पे खत्म होता है। इसका जो आंसर है कि जब चाय कंपनी की स्थापना हुई थी तो यहाँ पर जो थे वो विलियम बेंटिक जो साहब थे वो क्या थे, यहाँ के गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1906 में कृषि के विकास के लिए यानी कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, के लिए किसका गठन किया गया था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन चारों में से किस चीज का गठन किया था कि यहाँ एग्रीकल्चर का ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। 10 सेकंड का समय आप लोग लेंगे आंसर सोचने में। चलिए इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, भारतीय कृषि सेवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, यानी कि इनमें से वो कौन सा आपका एक्ट था, अधिनियम था, जिससे मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। आपको इन चारों में से आंसर बताना है, 10 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग। चलिए भाई इसका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि 1813 का जो आपका एक्ट आया था, उस 1813 के एक्ट से जो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म कर दी गई थी, लेकिन सिर्फ दो चीजों को छोड़कर। और वो दो आपके चीजें क्या थी, एक तो था चाइना से व्यापार करना और यहाँ पर इसकी चाय की जो है खेती करना, वो अभी भी इस एक्ट के पास होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। इसको छोड़कर बाकी चीजें जो थी, इसका मतलब ये हो गया था कि जो ब्रिटेन में और भी जो आपकी प्राइवेट कंपनी थी वो भारत आ सकती थी क्या करने के लिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए। यहाँ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर ये टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने दे रखा है, इसमें आपको डिटेल में हर सब्जेक्ट वाइज प्राचीन भारत का अलग टेस्ट सीरीज, मध्यकालीन भारत का अलग, आधुनिक भारत का अलग, इसी तरीके से पॉलिटी का मैंने बना रखे हैं, टेस्ट बना रखे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो कॉस्ट मैंने रखी है वो सिर्फ मात्र 599 रुपये आपकी कॉस्ट रखी गई है। इसकी खासियत यह है कि इसमें आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, 6 महीने तक आप ये टेस्ट सीरीज को यूज कर सकते हैं। और अभी हर सब्जेक्ट से दो दो आपकी टेस्ट सीरीज हैं, लेकिन लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अभी मैं ये टेस्ट सीरीज बढ़ाता जाऊंगा, यानी कि जैसे अभी आप मान लीजिए, अभी आपका प्राचीन और मध्यकालीन भारत का आपको दो टेरेस साइज दिखेगा, लेकिन मैं उसको लगातार 3 करता रहूंगा, फिर 4 और 5, मैक्सिमम 5 या 6 तक मैं उसको, हर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 5 5 की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए और इसका मुझे आंसर बताइए कि 1853 में काव सजी नाना भाई दमार द्वारा सर्वप्रथम जो सूती मिल है, कॉटन मिल, इन चारों में से कहाँ स्थापित की गई।
चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, मुंबई। मुंबई में जो है पहली आपकी क्या सूती मिल जो है वो खोली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। किस विचारक ने भारत में बिछाई गई रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से आपके विचारक थे जिन्होंने हमारे यहाँ जो रेल लाइन बिछाई गई थी उसे आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। बहुत बड़ी बात है ये, आधुनिक युग का अग्रदूत कहना। देखिए इनमें से कौन सा हो सकता है। और हाँ, ये एक और चीज मैं बताऊंगा कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपको करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी, और वो तो लगातार अपडेटेड मैं करता जाऊंगा। जब तक आपके प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाते हैं तो लगभग 5 या 7 के ऊपर आपको जो है वो एमसीक्यू मिलेंगे, और एक एक जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है, कोई 60 क्वेश्चंस की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, कोई आपकी 40 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है एमसीक्यू, तो उसको मैं लगातार जो है उनका जो क्वांटिटी है वो बढ़ाता जा रहा। चलिए भाई, इसका जो आंसर है वो है आपका 5 का B, कार्ल मार्क्स। चलिए छठवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किस चेर शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था? ये असल में जो क्वेश्चंस हैं आप ये कहाँ से देख रहे हैं, ये सब के सब आपके संगम जो हमारा काल है वहां से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप लोगों के, संगम काल से। संगम काल से ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए भाई, किस चेर शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 10 सेकंड का टाइम लीजिएगा आप लोग। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका बी, शेन गुटवन को जो है लाल चेर कहा जाता था। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चिलप्पा दिकारम में किस राजा का वर्णन पत्नी पूजा के प्रवर्तक के रूप में होता है? ठीक है, किस राजा का वर्णन किस रूप में पत्नी पूजा के प्रवर्तक के रूप में होता है? इन चारों में से कौन सा होता है, नीडू जेलियान हो गया, शेन गुटवन हो गया, नंदून जेरल हो गया, या कारिकाल हो गया? इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका क्या, बी, शेन गुटवन। 8वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पांड्या राज की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है पांड्या राज की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका मदुरई। मदुरई में जो है आपकी पांड्या राज की राजधानी हुआ करती थी। 9वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कलिया लागनम का युद्ध किस पांड्या शासक के काल में हुआ? बहुत ही फेमस युद्ध था साउथ इंडिया में, पूछा गया है कि किस के शासन काल में हुआ था। आपको इन चारों में से बताना है, निड्डू जेलियन या शेन गुट्टम या नंदूकन जेरल या करिकाल। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, निंदु जलियन जो है उसके शासनकाल में ये वाला युद्ध हुआ था। और अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है, संगमकालीन साहित्य में कोन और मन्नन किसे किसके लिए प्रयुक्त होता था? क्या राजमंत्री या राजस्व मंत्री के लिए होता था, या प्रधानमंत्री के लिए होता था, या सेना अधिकारी के लिए होता था, या राजा के लिए होता था? आप बताने, चारों से क्या हो सकता है। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो आपका है, ये जो है टर्मिनोलॉजी जो है किसके लिए प्रयुक्त थी, राजा के लिए। तो उम्मीद है कि आप कैसे इस 10 में से अगर 7+ का आपका स्कोर है तो बहुत अच्छा तैयारी आपकी चल रही है। और बाकी अगर और आप एमसीक्यू ज्वाइन करना चाहें तो ये टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से बोलूंगा, टेस्ट सीरीज में जितने भी आपको दिख रहे हैं टेस्ट सीरीज वो कांस्टेंट नहीं है, लगातार मैं इसको अपडेट करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, और जब तक आपके एग्जाम नहीं आते तब तक इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट सीरीज का लिंक दे रखा है, जाइए वहां से परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को परखें।